हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे गाने की जो एक बहुत ही आइकॉनिक गाना है तेल मालिश सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा है। ये गाना आया था फिल्म प्यासा में जो आई थी 1957 में। इसे गाया था मोहम्मद रफी ने और आप सब जानते हैं कि ये गाना फिल्माया गया था मेरे फादर जॉन वॉकर के ऊपर। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये गाना कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म में जॉनी वॉकर थे ही नहीं। यस, यू हर्ड मी राइट, प्यासा में जॉनी वॉकर नहीं थे। इतना फिर क्या हुआ? जो ओरिजिनल कहानी थी लिखी गई थी अबरार अलवी साहब की, तो अबरार अंकल ने उसमें ये जो कैरेक्टर है सत्तार भाई का था ही नहीं, देयर वाज नो कैरेक्टर। जब कहानी गुरुदत्त को सुनाई, वो वाज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ प्यासा, उन्होंने कहा कि अबरार सब कुछ अच्छा लेकिन इसमें जॉनी का रोल क्या है। तो उसमें गुरुदत्त का एक गुरुदत्त साहब के एक कैरेक्टर का एक रोल था जो सजेस्ट किया गया कि ये जॉनी को दिया जाए, बट गुरुदत्त सर के नहीं यार, ये एंड में जाके नेगेटिव हो जाता है। I can't make Johnny negative. Johnny has to be positive. उसके लिए कोई कैरेक्टर होना चाहिए। तो अबरार अंकल ने कहा लेकिन भाई इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं। तो गुरुदत्त ने कहा कि अगर जॉनी नहीं है तो मैं ये स्टोरी बनाऊंगा नहीं। अबरार अंकल चला था ऐसे थोड़ी ना हो सकता है भाई, कहानी मेरी है और ये बहुत एक इंटेंस और हार्ड फिल्म है एंड इसमें कॉमेडी का कोई स्कोप नहीं है। देयर कैनॉट बी एनी मस्ती मजाक इन दिस फिल्म, इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म। एंड गुरुदत्त सर, आई डोंट केयर, जॉनी हैज टू बी देयर इन द फिल्म, तुम उसके लिए कोई रोल लिखो। एंड अबरार अंकल सेड के नहीं भाई, मैं एक कैरेक्टर के लिए तुम्हारी दोस्ती के लिए अपनी कहानी खराब नहीं करूंगा। ये थी दोस्ती गुरुदत्त साहब की, जॉनी वॉकर की और अबरार अलवी राइटर इनकी। तो उस पर बहुत बहस हुई और गुरुदत्त साहब ने कहा कि नहीं, जॉनी नहीं है तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा। और अबरार अंकल ने कहा कि अगर तुमको जॉनी चाहिए और उसके लिए अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कहानी खराब करूं तो मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। तो इस पर बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बहस हुई। फाइनली जब ये सब गए थे कलकत्ता क्विक शूटिंग के लिए एंड वहां पे होटल में रुके थे और वहां पर भी बहुत देर तक, काफी टाइम तक ये आर्ग्यूमेंट, ये डिस्कशन, ये सिलसिला चलता रहा। जब सब थक गए, बोले कि चलो यार अभी सर दुख गया है, नीचे जाते हैं, विक्टोरिया गार्डन है, वहां बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं, पुचके वगैरह खाते हैं। तो ये सब नीचे उतरे विक्टोरिया गार्डन में, पुचके खाने, चाय पीने, जस्ट टू रिलैक्स। कभी काम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमको रिलैक्स करना है, बहुत हो गया मच। जब ये नीचे गए और जब और शाम का टाइम था और जब ये सब आराम से बैठे थे, पुचके खा रहे थे, चाय पी रहे थे, तो सडनली पीछे से एक आवाज आई, मालिश तेल चंपी। और गुरुदत्त ने यू मुड़ के देखा और कहा कि अबरार तुम कहते हो ना कि ये पिक्चर बहुत हैवी है, बहुत इंटेंस है, इसमें कॉमेडी का कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसा ना हो कि ये इंटेंसिटी और ये ड्रामा से पब्लिक का सर पकड़ जाए और दुख जाए, तो इसीलिए इसमें एक तेल मालिश वाले का रोल तुम ऐड करो जो जॉनी करेगा, जो आके यू नो थ्रू आउट द मूवी लोगों के सर का जो टेंशन है वो कम करेगा, दर्द हटाएगा, थोड़ा सा उनको वापस ऑन बैक ट्रैक लेकर आएगा। और डैडी से कहा कि जॉनी तुम माहिम के मेले में मजमे में जो आवाजें लगाते थे, नारेबाजी लगाते थे, बिकॉज एक्टर बनने के पहले डैडी माहिम के मेले में ना रात भर साइकिल चलाते थे और सामान बेचा करते थे अपनी आवाज बदल के, ए आ जाओ ये चीज ले लो सामान, ए ऐसे करके। तो गुरुदत्त ने कहा ये आवाज तुम अपनाओ और ये मालिश वाले को तुम ऑब्जर्व करो, बिकॉज इसमें तुम ये मालिश वाले का रोल करोगे। और फिर किसी तरह अबरार अलवी साहब भी कन्विंस हुए। अबरार अंकल ने कहा कि ये सही रहेगा गुरु, और ये कैरेक्टर उसमें लिखा गया अब्दुल सत्तार का, जिसपे ये गाना फिल्माया गया,
सर जो तेरा चकरा या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। जो मेरे फादर की पहचान बन गया है और एक रेगनेशन बन गया है, तो अगेन मैं फिर से वही कहूंगा, किस्मत, हाउ थिंग्स वर्क आउट। जो एक्टर, जो कैरेक्टर उस फिल्म में नहीं था, दोस्ती की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, गुरुदत्त साहब ने कहा कि नहीं भाई, इसमें जॉनी तो होना है। और जॉनी कैसे आया, और जॉनी कैसे अब्दुल सत्तार बना, और कैसे अब्दुल सत्तार को ये गाना फिल्माया गया, सर की तरह चकराए, जो आज भी जब आई एम श्योर आप अपने घर में तेल मालिश चंपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली तेल मालिश चंपी ही निकलता है हम सबकी जुबान से। सो थैंक यू टू गुरुदत्त साहब, थैंक यू टू अबरार अंकल, एंड थैंक यू टू रवि साहब, एंड टू ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड द सिनेमा, एंड ऑफकोर्स उन सबके फैंस और आप सब व्यूज का, जो आज तक मेरे फादर को याद करते हैं और अपने प्यार देते हैं उन्हें। थैंक यू।